सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आ गए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं अपना हाई पिक्सल स्काई ब्लॉक। आज वाली वीडियो में भी आपका भाई लेकर आ गया मनी मेकिंग ट्रिक। मैंने कहा था आपको, मैं अभी देखो जमा कर रहा हूँ ट्रिक है, जैसे ही हैवी वर्किंग ट्रिक मिलेंगी तो वो मैं लेकर आऊँगा। सो वो हैवी ट्रिक आ चुकी है। बाकी हाँ, वीडियो एंड तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़्यादा नहीं, आपके पास 30K कुछ भी होंगे तो आप ईजिली प्रॉफिट बना सकते हो। हाँ, अगर आपके वो कम पैसे होंगे तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा पैसे बनाने में, अगर ज़्यादा पैसे होंगे तो उससे आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हो। सो हाँ, रेडी रहना। मतलब ये जो न्यू न्यू प्लेयर होते हैं उनके लिए भी ये हैवी, और जो ओल्ड है उनके लिए तो और भी ज़्यादा हैवी है। तो बस वीडियो एंड तक देखना। बाकी जिस जिस भाई के पास रिकॉम्पैक्टर है जाके सेल कर देना, क्योंकि भाई रिकॉम्पैक्टर की प्राइस 15 मिलियन हो गई है। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक शेयर लाजमी कर देना और सब्सक्राइब भी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहले तो मैं ज़रा ना यहाँ पे अपना सामान वामान था फालतू का वो रख रहा था, क्योंकि भाई इन्वेंट्री देखो फुल रहती है तो अच्छा नहीं रहता इसलिए। बाकी ये अपना सारा छोटा मोटा सामान है, आपको पता ही होगा, जो अपने सब्सक्राइबर है वो तो जानते ही होंगे कि क्या क्या है अपने पे, क्या क्या नहीं। बाकी जो न्यू बंदे वो देख लेंगे। और हाँ, ट्रिक है भी है, सो वीडियो देखते रहना। मतलब ईजीली आप ना एक एक चीज़ से मतलब हाँ 4,000 5,000 का प्रॉफिट बना सकते हो। अगर मैंने बताया ना, एक से मतलब 30,000 होंगे तो आप 5,000 प्रॉफिट बना सकते हो, और जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ज़्यादा, मतलब मिलियन होंगे तो उससे और ज़्यादा। तो ऐसे समझ लो जितना ज़्यादा पैसा आपका उससे ज़्यादा आप कमा सकते हो। सो बस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी मुझे आज ये चेस प्लेट बनानी है अपनी। सो मेरे पास आई थिंक इनफ ज़ॉम्बी हार्ट जमा हो गए हैं, वो इंचांटेड रॉटन प्लेट से बनता है, तो इनको मार मार के इनफ हो गए होंगे आई थिंक। सो ना, सो अभी वो भी देखते हैं अपनी केस में पड़े भी तो होंगे। तो हाँ, 4 ही आई थिंक चाहिए होते अपने पास, 4 हैं। सो चलो इंचांटेड डायमंड और वो भी निकाल लेते हैं चारों। और हमें रॉटन फ्लेट चाहिए होगा, वो तो हमें मिल जाएगा, वो तो अपने मतलब मिनियन से ही। सो वो भी ले लेंगे। बाकी वैसे तो होगा अपने पास यार रॉटन फ्लेट, उसकी तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो चलो, बाकी मुझे जॉम्बी ना पैड भी बनाना है, सो वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। वो उसके लिए 8 ज़ॉम्बी हार्ट चाहिए, और अगर तो एपिक निकल जाए तो भाई लॉस्ट हो जाएगा। मैंने यकीन मानो 3 बार ना स्केलेटन बनाया है भाई, सुपर इंचांटेड एक लेके भाई 3 बार मेरा एपिक निकला, लेजेंडरी निकला ही नहीं, तो मेरा नुकसान हो गया। उससे अच्छा तो मैं लेजेंडरी बाय कर लेता यार। सो चलो भाई, मैं यहाँ पे छोड़ भर के कुछ चेस प्लेट बना रहा था, मुझे समझ ही नहीं आई कैसे बनानी है। सो मैंने कहा भाई छोड़ ही, तो डायरेक्ट भाई कोई क्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है साइड में, वहीं से ले लो भाई, वही जगह सही है अपने लिए, फालतू की भाई ये ना करो। तो हाँ, ये मैंने यहाँ से बना ली थी सिंपल, अपनी चेस प्लेट बन चुकी है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है भाई रेमानेंट चेस प्लेट में ना। सो अभी तो जोम्बी वाली बनी है, लेकिन हमें इसे रेमानेंट में तब्दील करना है, तो वो भी ईजी है। हमें 3 ज़ॉम्बी के वो चाहिए, अभी आपको दिखा दूँगा तब तो जाओगे, लेकिन उससे पहले रॉटन फ्लेश ले लेते हैं जो मैंने बोला। सो चलो, बाकी भाई मुझे नहीं लगता यार हम कभी इस हाई पिक्सल में मतलब हैवी से हैवी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है भाई इसमें ग्राइंडिंग। तो 1 बिलियन भाई, 2 बिलियन हम कैसे करेंगे यार। मतलब हाइपर ईयन वगैरह सॉर्ड वॉर्ड लेनी है हमें, वेदर सॉर्ड, जाइंट सॉर्ड, 500 मिलियन कुछ, बंदा भाई कैसे करेगा भाई, मुझे तो नहीं पता। बाकी हाँ, आप में से किसी को पता हो भाई कोई सस्ती मुस्ती सी ट्रिक जो एक क्लिक में भाई सीधा बिलियन में पैसा आ जाए, सो मुझे बताना यार, फिर इसमें भी एक पिक्सल की तरह पैसा उड़ाएंगे। लेकिन हाँ, इसमें बहुत ही मुश्किल है भाई, इसमें अगर आप 2 नंबर तरीके से पैसा बाय करते हो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। मैंने देखा है ऐसा बहुत से लोगों को बैन होते हुए। सो हाँ, वो डेली के भाई बहुत लोग बैन होते हैं, तो बस संभल के लेना। सो भाई मैं दिखा देता हूँ हमें जो चेस प्लेट बनानी है। सो इसके लिए हमें ये चाहिए और ये सिंपल है, अपने पास ये एक पड़ा हुआ है और बाकी इतने सारे रॉटन फ्लेश है, क्योंकि मैं रेवेन्यू लेवल बढ़ा रहा, तो ये देख रहे हो चेस भर के पड़े हुए मेरे पास। सो इसकी तो हमें कमी नहीं आने वाली। हाँ भाई लोग, सॉरी वो वॉइस ओवर की। सो मैं कह रहा था भाई इसकी तो हमें कमी नहीं आने वाली, ये तो हमारे पास बहुत है रेवेन्यू फ्लेश, इसकी तो भाई दिक्कत ही नहीं है चेस भर के। सो हम 4 स्टैक ले लेते हैं, 4 स्टैक में 2 बन जाएंगे इजीली, और एक हमारे पास बना बनाया है, बस हमें एक स्टैक लेना है एन्चेंटेड स्ट्रिंग, जो कि अपना देख लेते हैं कितने की आएगी। सो यहाँ पे चलते हैं। तो भाई ये वैसे ख़रीदने पे तो भाई थोड़ा महंगा है, तो वैसे छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ से हम चलते हैं अपना इधर, और ये मैंने पोटैटो लगाए हुए थे, अभी ट्रिक बताऊँगा तो टेंशन नहीं लेना। तो ये तो मैंने ऐसे ही लगाया था, और इजीली भाई पैसे बने अपने।
सो चलो सबसे पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ अपने को एक इंचाइंटेड स्ट्रिंग कितने की आई, मैंने ध्यान नहीं दिया। 57 महंगी है यार। चलो कोई नहीं, खैर है ये दो बना लेते हैं। और अब बनाते हैं चेस्ट। सो इसको तो भाई इसकी तो रेसिपी नहीं आ रही थी, हमें खुद से क्राफ्ट करनी पड़ेगी। और हमें डायमंड भी चाहिए था, तो मतलब ज़्यादा नहीं, हमें 5-6 डायमंड चाहिए था। सो मैंने वो सिंपल ही ना सीधा बाय कर लिया, जितना हमें डायमंड चाहिए था उतना, मतलब इंचेंटेड डायमंड ना अपने पर थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो। हाँ, और इसकी रेसिपी तो मुझे इजीली पता है। सो सिंपल इसको हम क्राफ्ट करते हैं। इसकी रेसिपी नीचे मतलब बीच में हमें रखनी है चेस्ट प्लेट। सो बीच में आ गए चेस्ट प्लेट, और नीचे रखने तीन और रेमानेंट वाले ये फ्लैश है, जो भी इसका नाम मुझे नहीं पता, और मैं अभी देख भी नहीं पा रहा, आई डोंट नो क्यों, वीडियो वॉइस ओवर के दौरान। सो चलो खैर है, बाकी यहाँ पे देखो 32 32 दोनों दोनों साइड पे रखने। सो दो स्टैक एन्चेंटेड ये चाहिए और ये, और फाइनली अब बना लेते अपनी चेस। सो ये इधर और फाइनल है अपना इधर, और ये बन गई अपनी चेस्ट प्लेट। अब मुझे ये नहीं पता भाई इसका हेड गियर कौन सा है, मुझे ये बताओ। इसमें इसका फुल सेट पहनने पर ना थोड़ा ज़्यादा हमें डिफेंस मिलेगा, ऐसा इस पर लिखा हुआ आई थिंक सो। तो मुझे पता इसका हेड गियर कौन सा, या फिर इसका ना क्रिस्टल हार्ड लगता है उससे फुल सेट बनता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। जिस भी भाई को इस चीज़ की भाई नॉलेज हो मुझे प्लीज़ बताना, क्योंकि मुझे भाई इसका फुल सेट का नहीं पता। क्योंकि भाई हमारे रेसिपी में इसका हेड गियर कोई चीज़ नहीं दिखाई गई, ओनली बस ये तीन पीस हैं, लेगिंग्स, बूट और चेस्ट प्लेट। तो हाँ बाकी चलो कोई नहीं, मैं इसको इंचाइनमेंट कर लेता हूँ फुल्ली, उसके बाद चलते हैं अपना रिपोर्ट करने इसको। सो चलो ये फाइनली इंचाइनमेंट करके आ गया था मैं अपने इधर ब्लैक स्मिथ के पास। सो अब इसको हम थोड़ा कर लेते हैं रिफोर्ज, क्योंकि हमें चाहिए भाई थोड़ा स्ट्रेंथ मिले ज़्यादा। सो आपको पता है स्ट्रेंथ किस में मिलता है। सो इधर भी भाई थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आपको पता है इधर भाई बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी भाई पहले में ही आ जाता है वो लक, है ना, मतलब आपका लग अच्छा हो। सो भाई यहाँ देख लो मेरा तो आ नहीं रहा था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हाँ फाइनली जाके आ गया था। सो चलो आ गया, तो अब इसको हम इक्विप करते हैं अपने उसमें सेट कर देते हैं, ये जो होता है वार्डरोब होता है आई थिंक सो। सो ये ऑब्सीडियन वाली चेस्ट प्लेट आ रहा था अपनी, ये वाली लगा देते हैं। और मैंने हेड गियर लगाया हुआ था वेयर वुल्फ वाला। सो हाँ इसको हटा के मैं सोच रहा हूँ हम ना गोल्डन डायमंड लिविड हेड गियर, मतलब डायमंड नहीं सॉरी गोल्डन लिविड हेड लगा दूँ, क्योंकि वुल्फ वाला इतना मज़ा नहीं करा रहा। सो आप लोग बताना वुल्फ वाला इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या डायमंड वाला, मतलब डायमंड बोले जा रहा हूँ भाई वो तो बहुत रेयर है, 1-2 बिलियन कुछ का है। सो मैं कह रहा था मतलब ये क्या कहते हैं गोल्डन लिविट लगा दूँ या फिर वेयर वुल्फ, वैसे गोल्डन लिविट भी ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये देखो अपना मतलब ठीक ठाक लग रहा था ये भी ना। सो अभी के नहीं तो मैंने यही सेटअप रख लिया था। सो चलो अब अपना ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सो उसकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा ये इंचाइनमेंट वाला अपना खेल लेते हैं उससे पहले। हाँ वन सेकेंड भाई, लोग चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम बहुत ज़्यादा करीब है 1300 के। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लो, और जाओ फेक पिक्सल में 300 मिलियन कॉइन का गिव अवे चल रहा है, उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी फेक पिक्सल में पैसे विन कर सकते हैं, मतलब मनी। सो हाँ जाओ जल्दी जल्दी से लाइक लाजमी कर देना, और वीडियो पूरी देख लेना, उसमें सारे रूल्स मैंने बताए हुए। और हाँ किसी को अकाउंट अकाउंट कुछ चाहिए हो तो अपना डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो चलो बस इतना ही बोलूँगा, बाकी हाँ तो ज़्यादा बातें भाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्ट्राइक पे स्ट्राइक का तो इस नहीं है। अब भाई सिंपल अपना रखेंगे अकाउंट अकाउंट को छोड़ो साइड में। सो ये हो गया अपना ऑल सेट, अब चलते हैं अपना वापसी बाजार। सो भाई अब देखो यहाँ से हम ले लेते अपने सारे पोटैटो। सो भाई देखो मैंने 9 के लिए हुए थे, अब मैं आपको ये तो नहीं देने वाला कि आप भी 9 के ही लो। सो मैंने जो बोला था ना सिंपल। सो भाई देखो हाँ एक चीज़ की दिक्कत हो सकती है अगर आपके पास इसकी रेसिपी नहीं हुई, सो प्लीज़ रेसिपी देख लेना। पोटैटो देखो इतनी इजी है इसकी रेसिपी अनलॉक करना, दिक्कत नहीं है, आप खुद भी जाओगे भाई 1 घंटा आपको लगना है मैक्सिमम। फार्म पे जाओ और न्यू स्टार्टर होए खरीदो, फार्मर से 5-6 रुपये की आती है, उसमें एफिशिएंसी लगाओ और शुरू हो जाओ। ईजिली आप अपना ना मतलब ये मतलब पोटैटो बुक की रेसिपी खोल सकते हो। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो पहले तो मैं ऑल ना ये बना लेता हूँ अपने जो होते हैं ना यार, कौन सा पोटैटो होता है इसका नाम नहीं पता मुझे, इंचाइंटेड पोटैटो कुछ है यार इसका नाम क्या है, एसेंस, हाँ पोटैटो एसेंस बना लेता हूँ मैं। सो उसके बाद मिलता हूँ। सो भाई फाइनली
ऑल सेट हो चुका था, सारे मैंने ऑलमोस्ट बना लिए थे, ये लास्ट थे। अब मैं दिखाता हूँ आपको ना प्राइस। तो ये देखो हम जाते हैं इसमें और हम ना बाय ऑर्डर करते हैं। तो ये देखो इजीली ना हम देखो 160 से बनती है एक बुक, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये है 30,000 की, ठीक है, ईजी 30,000। सो अब मैं ना एक बुक आपको दिखा के और देखो डायरेक्ट सेल और बाय ऑर्डर सेल दोनों दिखाऊंगा, मतलब आप समझ जाओगे, ठीक है। सो हमारे पहले बना लेते हैं एक बुक और अब चलते हैं वापसी अपना बाजार वाले बंदे के पास। सो अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको भाई, इजी प्रॉफिट है, जितना ज़्यादा लगाओगे मैंने कहा ना उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है। सो हाँ ये देखो मैं सीधी सेल करता हूँ तो मुझे 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है। शुगर केन तो इजीली आप ले सकते हो, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा भी नहीं जाएगा उसमें। और देखो मैं क्रेट ऑर्डर करता हूँ तो भाई चार चार मतलब 4K का प्रॉफिट है ईजी। सो अब देखो जितनी ज़्यादा आप करते हो, 10 करते हो तो भाई आपको ईजिली 40K का मिलता है, और 100 करते हो तो समझ सकते हो ना आप, जितनी ज़्यादा आप ये बुक सेल करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट है। देखो यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री भर के बना ली। सो अब मैं इसको ना मतलब क्रिएट ऑर्डर लगाता हूँ। सो भाई ईजिली देखो 1 मिलियन कुछ की जा रही है भाई, ईजी पीजी, ठीक है। सो और भी हम बना लेते हैं दूसरा भी। सो और कितनी बनेंगी अपनी, आई थिंक ये 26 के करीब कुछ बनेंगी। सो हाँ इसको भी लगा देखते हैं और देखते हैं ये कितने की जा रही हैं। सो चलो इसका भी ऑर्डर अपना क्रिएट कर देते हैं। तो ये ऐसे तो इतने की जा रही हैं और ऐसे हाँ तो ये 9 लाख कुछ की जा रही है। तो देख रहे हो भाई इजीली आप जिनको जितने ज़्यादा होंगे आप इतने ज़्यादा इजीली बना सकते हो, जो मैंने बताया आपको। अब हाँ कम पैसे होंगे तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन और देख रहे हो भाई जो हमने 29 लगाई थी वो तो इजीली यूँ ही सेल भी हो गई सेकेंडों में। हाँ दूसरी वाली को थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन देखो पटेटो बुक ऐसी हैं ये सेल होती रहती है, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती आपको। तो चलो अपना नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ये वाली ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना और इसी बात पे लाइक भी कर देना। सो चलो हाँ तो भाई लोग अपना सेकंड ट्रिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको अपना कैक्टस कलेक्शन में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ भाई। पहले तो आपके पास अगर हाइपर फंडनेस होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता तो दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे होगा तो आप जल्दी कर सकते हो, नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप नॉर्मल फंडनेस से भी कर सकते हो, लेकिन हाँ ये होगा तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होगे। तो आपको ना देखो ये चाहिए, सो इसके लिए अब मेरा रेसिपी अनलॉक नहीं है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपना फार्म पे और अपने इसकी रेसिपी अनलॉक करके मिलता हूँ आपसे सिंपल ट्रिक की तरफ। सो भाई देखो यहाँ पे ना मैंने ऐसे फर्निस लगा के ये मैं पका रहा था। सो 160 हमें चाहिए। सो अभी मैं दिखा दूँगा 160 कितने के आते हैं। सो भाई यहाँ पे ना थोड़ा मतलब स्कैम भी हुआ था, मैं आपको बताता हूँ क्या। सो देखो भाई आपको पता होगा बाजार के ना रेट बढ़ते हैं और कम होते रहते हैं। सो भाई मैंने पहले जब देखा था ना लिटरली 1,000 कुछ का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन भाई इस वाले टाइम पे भाई इसने थोड़ा सा स्कैम कर दिया था मेरे साथ, मतलब प्रॉफिट था लेकिन इतना नहीं था। देखो मैं 64 ना मतलब 160 ही ख़रीदता हूँ ना। सो ये देखो ये आ रहे हमारे 700 के ना कुछ, अपना 730 रुपये का, ठीक है। और अब देखो मैं इसको सेल का भी करता हूँ ना उसे बनाने के बाद। सो हाँ उसमें आपका कॉल वॉल भी ज़ाया होगा, तो मेरे भाई जो मैं बोलूँगा ना आप लोगों को, सो ये वाली ट्रिक इतनी ना ट्राई करना क्योंकि यूजलेस ट्रिक है भाई। मैंने ट्राई की जब भाई इसकी हैवी थी, मुझे लगा अभी भी हैवी होगी रिकॉर्डिंग के दौरान था, सो ये नहीं थी, लेकिन हाँ इससे भी आपको प्रॉफिट होगा 200-300 रुपये का। सो 200-300 से तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन देख लो आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी एक और ट्रिक है बूस्ट मतलब कुकी वाली ने एन्चेंटेड कुकी, लेकिन उसके लिए रेसिपी आपकी अनलॉक होनी चाहिए, उसमें भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है। सो देख लो भाई इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, मतलब 100 या 50 रुपये का प्रॉफिट है। सो हाँ ये इतनी खास नहीं है, बस नॉर्मल है, सो इसको छोड़ दो। लेकिन हाँ पटेटो बुक वाली हैवी ट्रिक है, सो उसको लाजमी ट्राई करना भाई, मैं यही बोलूँगा आपको, बेस्ट ट्रिक है पटेटो वाली। जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उससे ज़्यादा डबल कर सकते हो उसको। सो हाँ मैं तो बोलूँगा भाई ज़्यादा पैसा है तो आप इंचाइंटेड पटाटो 10,000 ले लो, 20,000 ले लो और उसकी बुक लगा के बना के सेल पे लगा दो, क्योंकि बुक ऐसी चीज़ है वो सेल होती है। बाकी मेरे टेक्चर पे के लुनार वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये देख लो बंदे पूछते हैं भाई टेक्चर बता दो, सो ये टेक्चर है। सो हाँ बस भाई लोग आज की वीडियो में यही था, वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक लाता रहेगा, क्योंकि हैवी हैवी ट्रिक आ चुकी है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की भी है। सो 100% वर्किंग ट्रिक होगी, कोई भी ऐसी नहीं होगी भाई जो स्कैम हो। तो हाँ इसी वजह से भाई मैं ट्रिक नहीं ला रहा था, अब देखो जो जो मुझे पता चल रही है ओरिजिनल ट्रिक वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बाकी हाँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और आपको पोटैटो वाली ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट करके लाजमी बताना,
और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, और जाओ गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे कल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर लाजमी कर देना भाई लोग।